हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग लैपटॉप या कंप्यूटर का जो वॉलपेपर होता है उसको सेट करना या चेंज करना सीखेंगे। यदि इससे पहले हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो यहाँ पे हमने अपना लैपटॉप को ऑन कर रखा है और हमने यहाँ पे कर्सर को बीच में लाकर राइट क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली देखने के लिए मिल जाता है शो मोर ऑप्शन। तो यहाँ पे इस पे क्लिक कर लेना है और इसके बाद फिर से नीचे में आपको देखने के लिए मिल जाएगा पर्सनलाइज का ऑप्शन। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो पर्सनलाइजेशन का जो इंटरफेस है वो यहाँ पे आ चुका है। तो हमने जो यहाँ पे जो वॉलपेपर सेट करके रखा है वो वॉलपेपर सबसे ऊपर में दिख रहा है। चलिए इसको हम बड़ा कर लिए और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो सिंपली इस पर आपको क्लिक कर लेना है बैकग्राउंड वाला ऑप्शन पर। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सिस्टम में जो भी वॉलपेपर है वो वॉलपेपर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ से जो भी वॉलपेपर आपको लगाना है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे हम इस वाले वॉलपेपर पे क्लिक कर लेते हैं। अब देख सकते हैं कि जो पहले वाला वॉलपेपर था वो हट के यहाँ पे न्यू वॉलपेपर लग चुका है। चलिए हम इसको मिनिमाइज करके दिखा देते हैं। देख सकते हैं कि स्क्रीन पर मेरा वॉलपेपर चेंज हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं आप हर तरीका से जो वॉलपेपर है वो चेंज हो चुका है, यानी न्यू वॉलपेपर लग चुका है। तो हम स्क्रीन पर लाइट को बढ़ा लेते हैं। आपको यदि फिर से दूसरा वॉलपेपर लगाना हो तो आपको किसी भी वॉलपेपर पर क्लिक कर लेना है। चलिए हम ये ब्लैक वाला वॉलपेपर को लगाते हैं। तो इस पर हम क्लिक कर लिए और इसके बाद देख सकते हैं कि मेरा ब्लैक वॉलपेपर लग चुका है। यहाँ पे मेरा ब्लैक वॉलपेपर लग चुका है। चलिए ये मेरा सिस्टम का वॉलपेपर था जो हमने चेंज करके दो वॉलपेपर को लगाया। अब हमें फाइल से वॉलपेपर को कैसे लगाना है इस चीज को जानते हैं। तो हमने गूगल से दो वॉलपेपर को डाउनलोड करके पहले से रखा है, तो वो वॉलपेपर हम लगा के दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा नीचे में ब्राउजर्स फोटो। तो हमें ब्राउजर्स फोटो पे क्लिक करना है। यहाँ पे ब्राउजर्स फोटो भी हम क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद हमने जो भी गूगल से वॉलपेपर डाउनलोड किया था वॉलपेपर मेरा यहाँ पे दिख रहा है। दोनों ऊपर में मिला वो मेरा वॉलपेपर है। तो सिंपली हमें इस वाले वॉलपेपर पे डबल क्लिक करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने गूगल से वॉलपेपर डाउनलोड किया था वो वॉलपेपर मेरा यहाँ पे लग चुका है। देख
देख सकते हैं कि मेरा स्क्रीन पे दूसरा वॉलपेपर लग चुका है। चलिए हमने एक वॉलपेपर और डाउनलोड किया है, तो उसको भी हमने यहाँ पे लगा के दिखा देते हैं। तो फिर से ब्राउजर फोटो पे क्लिक कर रहा है और हमने दूसरा वाला वॉलपेपर पे क्लिक कर लेते हैं। और इसके बाद देख सकते हैं कि मेरा दूसरा वॉलपेपर फिर से लग चुका है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको लैपटॉप या कंप्यूटर का जो वॉलपेपर होता है उसको सेट करना या चेंज करना पूरा तरीका से समझ में आ गया होगा। यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।